याद रखना हुण। कहिंदा ना जिहड़ी बई एंडोस्परम की बाहरली लेयर होंदी है ना उहदे विच प्रोटीन हुंदा है, की हुंदा उहनू एल्यूरॉन लेयर कह दिंदे आ, की कह दिंदे आ, याद हो गया। ठीक, कहिंदा यार एम्ब्रियो दे विच ना सिंगल कोटिलेडन हुंदा है, सिंगल कोटिलेडन हुंदा है ते उहनू स्क्यूटैलम कहिंदे आ, की कह दिंदे आ, एम्ब्रियो च किन्ने कोटिलेडन कहिंदे की आ, स्क्यूटैलम, एम्ब्रियो च किन्ने कोटिलेडन कहिंदे की आ, स्क्यूटैलम। कहिंदा एक रेडिकल हुंदा ते एक ब्लीम्यूल हुंदा, ठीक है, रेडिकल किधर हुंदा, तिखे वाले पासे, आ तिखा पासा दे, आ किहड़ा पासा तिखा, आ चौड़ा, इधर रेडिकल है, इधर उपरले पासे, उपरले पासे बस ब्लीम्यूल होगा, तुसी तिखे वाला याद रखना जिहड़ा इहदे उल्टा ब्लीम्यूल है। हाँ, जिहड़ा पॉइंटेड एंड आ तिखे वाले पासे है, तो यार उहदे उत्ते भी एक प्रोटैक्शन वास्ते लेयर चढ़ी हुई है तिखे वाले पासे, उस लेयर का नाम पता की है, आ रेडिकल आ देख बई तिखे पासे, आ लेयर है निक्की जी कोलोरिजा, की कहिंदे आ, कोलोरिजा, ठीक है। प्लेम्यूल हैगा भाई उपरले पासे, आ प्लेम्यूल तेरा, इहदे उत्ते भी एक लेयर चढ़ी हुई है बई, उहनू कहिंदे आ कोलियोपटाइल, की कह दिंदे आ, ठीक है। यानी कि तू आए याद रख ला, जिहड़े दा बूट है, बूट वह कोलोरिजा, जे सिर ते टोपी लई है तां कोलियोपटाइल, की आ बूट की हुंदे आ अपने रीजा, उपरला टोपी की हुंदी है कोलियोपटाइल, बूट की हुंदे आ कोलियोरिजा, टोपी कोलियोपटाइल, आ टोपी नहीं कोलियोपटाइल, टोपी टी ते पी, टी ते पी टोपी, ठीक है ना, ऐ धक्के नाल कर लिया करो कुछ नहीं हुंदा। अगे देखते हैं, ये थोड़े याद हो गया, मेज ग्रीन ना मोनोकोटिलेडन है, यार मेज ग्रीन तू दो भागे तोड़ सकता, तू खा के देखी घर जाके, तू दो भागे बराबर बराबर नहीं तोड़ सकता, छोले दाने तू तोड़ सकता, मेज ग्रीन फिर मोनोकोटिलेडन है, की है मोनोकोटिलेडन है। आ डिफरेंस तेन पढ़ना पेगा बीन ते मेज का, मेज च एक कोटिलेडन है, बीन च दो है भाई, राजमा दाने भी ऐ तोड़ सकता तू, मेज बड़ा है, एंडोस्पर्म होंगे मेज च, बीन च नहीं होंगे, ठीक है, मेज का एम्ब्रियो छोटा है, बीन का बड़ा है, बस ये याद रख लो तीन तीन पॉइंट, ठीक है। जर्मीनेशन भाई पेपर च आऊगा, जर्मीनेशन पता की होंगी है, यार तू बीज चक्या ए मिट्टी सिटता पानी पाता, बीज पुंगर गया, जड़ निकलिया ही थलों रेडिकल चो प्लेम्यूल चो निकलिया पहला पत्ता, इनू जर्मीनेशन कह देंगे, की कह देंगे, यानी कि मैं उन्होंने जी डोरमेंसी तोड़ता, डोरमेंसी पता की सी सुत्ता पे हुंदा सी इनएक्टिव, पता लग गया, जां रेस्ट पीरियड पता लग गया की है, ओ भाई जर्मीनेशन वास्ते की चाहिए, पानी चाहिए, धुप चाहिए, खुराक चाहिए, खुराक कितों मिलू मिट्टी चो, धुप कितों मिलेगी सूरज तो, पानी कितों मिलेगा आपां देवांगे, ठीक है। जिहड़ा यार पहला पत्ता हुंदा ना उपर निकलदा उहनू सीडलिंग कह दिंदे आ, की कह दिंदे आ उहनू, सीडलिंग, बस ये सारी कहानी है, तो मच्योर होने लग जांदा उह बूटा, की चाहिए जी, पानी, पानी के फायदे फूदे हुण ना पढ़न बैजो, लंडू टॉपिक है, एक ही चाहिए टैंपरेचर, ज़्यादा भी माड़ा है तो घट भी माड़ा, ज़्यादा चो सड़ जूगा, ठीक है, तो घट चो उन्हें उठना ही नहीं, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन भी चाहिए है, ऑक्सीजन ना एनर्जी का एक्सचेंज वगैरह होंदा रहिंदा, एक्सपैरीमेंट किए हुए आ, देखिए आ पानी है, आ एक एसिड है, ये ना 100 ग्राम सीड रखे हुए है, तो गल ये है यार, आ ना वैट कॉटन वूल है, मतलब ना ये की है थले ये रूं धरी पई है, वह गिली आ, ये थले जी रूं धरी पई है, ये भी गिली है, नहीं गिली है दोनों पासे, ये उत्ते राजमा के दाने धरे हुए जां छोलियां दे, इत्थे रखे हुआ पानी, इत्थे रखे हुआ एसिड, यार हुण गल की है, उत्ते जिहदे उत्ते पानी होगा ना प्लेन वाटर होगा, उहनू पानी ज़्यादा मिलता रहेगा तो वह पुंगर जूगा, जिहदे उत्ते पानी नहीं एसिड आ उल्टा एसिड पता की करता, पानी नूं आपदे अंदर समा लैंदा, ठीक है ना, पानी नूं तां उहने आपदे अंदर ही समा लिया, फिर इहनू कित्थों पानी मिल गया बेचारे नूं, इह नहीं पुंगरिया, यानी कि साबित हो गया जर्मीनेशन वास्ते की जरूरी आ, पानी जरूरी है। दूजी गल, एक एसिड की पता की खासियत है, ये ऑक्सीजन खा जाता यार, मान के चल मैं इतने एसिड धरता है बठल भर के, अपन सह नहीं आऊंगा, क्यों ऑक्सीजन सारी आप ही खा जूगा, ऑक्सीजन सारी ये तो फिर इतने ऑक्सीजन नहीं मिली राजमा दाने जिहड़े नूं भी, ये मर गया, ऑक्सीजन भी जरूरी है, कि जरूरी है पता लग गया, कि अगे आ जा, ये की है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਅੱਧੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਐਪੀ। ਹਾਈਪੋ ਅਤੇ ਐਪੀ, ਹਾਈਪੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਟੀਲੈਡਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੋਟੀਲੈਡਨ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਈਪੋ ਕੀ ਸੀ? ਥੱਲੇ, ਐਪੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਬਵ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਫਾਸਟਰ। ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਉਲਟ ਹੈ ਬਈ, ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਛੇਤੀ ਉੱਗਰਦਾ, ਐਪੀ 'ਚ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ ਛੇਤੀ ਉੱਗਰਦਾ, ਉਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਨੋਕੋਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋ, ਅਤੇ ਐਪੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਕੋਟ 'ਚ। ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ, ਮਾਈਕਰੋਪਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਰੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੜ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਪਲੀਮਿਊਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਐਂ ਕਰਦੇ 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 ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੀਨ ਸੀਡ ਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਆਹ ਕੋਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਲੋਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟੈਮ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਗਰਨੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਊਟੈਲਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਰਮਨੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਵੀ ਪੈਰਸ। ਵੀਵੀ ਪੈਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਵੀ ਪੈਰਸ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਈਜ਼ੋਪੋਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਰ ਰੈਟੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ, ਰੈਡੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸ਼ੂਟ ਨਿਕਲੇ। ਸੀਡਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੀਡਲਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ। ਸੀਡਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਆਫ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਫਰੋਮ ਏ ਸੀਡ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕਮ ਹੋਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀਡ ਸੀਡ ਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ